मनोज, तू इतनी सुबह सुबह? सुबह? अब 11 बज गए भाई इंडिया में, कहाँ है तू? 11 बज गए? और क्या? अरे यार, मुझे तो लग रहा है ये घंटा साला 30 मिनट का हो गया है। खैर छोड़, तू बता कैसे आया? सब ठीक तो है? अरे कहाँ ठीक है यार, एक जरूरी काम से आया था यार तेरे पास। हाँ बता। अरे वो मैंने तुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे ना? हाँ दिए थे। तो वो यार वापस चाहिए भाई, बहुत जरूरी काम आ पड़ा है यार। यार मनोज तू भी हद करता है भाई, सुबह सुबह पैसे मांगने आ गया, अब पेड़ पे थोड़ी लगे, पैसे तोड़ के दे दूं। यार तू मेरे पास भी कौन सा पेड़ लगा था जब तू अचानक से पैसे मांगने आ गया था? अरे मैंने भी इधर उधर से अरेंज करके दिए थे ना तुझे। जता रहा है तू? अरे नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं भाई, तूने मुझे पैसे उधार दिए थे, तू मुझ पे एहसान जता रहा है? अरे मेरा ये मतलब नहीं था यार। अरे बस भाई, समझ गया तेरा क्या मतलब था। अरे कान पकड़ रहा हूँ भाई, मंदिर के आगे बैठ के भीख मांग लूंगा, लेकिन तुझसे आज के बाद एक चवन्नी उधार नहीं लूंगा मैं। अरे तू तो ऐसे भड़क रहा यार जैसे मैंने तेरी भैंस चुरा ली हो, वरना एक महीने के लिए पैसे मांगे थे तूने मुझसे, अब देख ले 3 महीने हो गए, एक बार भी आया मैं तुझसे पैसे लेने? हाँ तो, अरे धंधे में ऊंच नीच हो जाती है इसलिए हो गए लेट, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तेरे उधार लेके बैठने का। अरे तो फिर लौटा देना भाई। सही कहा है किसी ने, उधार भी ना शक्ल देख के लेनी चाहिए कि सामने वाले में उधार देने का दम है भी या नहीं। अरे माल्या के मामा, अरे तेरे पास हिसाब नहीं है पैसा लौटाने का तो ऐसे ही बोल दे, मैं कौन सी जबरदस्ती कर रहा हूँ? क्या मतलब हिसाब नहीं है? अरे तू मुझे हल्के में ले रहा है? अरे अभी के अभी तेरा सारा हिसाब निपटाऊंगा मैं, यही खड़ा रही हो, जइयो मत, अभी आ रहा हूँ मैं। अजीब आदमी है यार, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझसे पैसे लेके उल्टा मुझ पे ही चढ़ रहा है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ले ये तेरी भाभी के गहने, इन्हें बेच और अपना सारा पैसा ले ले जा। भाभी के गहने? अरे भाई मैंने कहाँ बेचता फिरूंगा यार, और देख इस सब की जरूरत नहीं है, जब तेरे पास इंतजाम हो जाए तो मुझे वापस कर दियो। ना भाई ना, अब मुझे तेरा कोई और एहसान नहीं चाहिए, तू इन गहनों को बेच अपना पैसा ले ले। अरे मैं अपना देख लूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं टीटू का स्कूल छुड़वा दूंगा, अरे इस घर की EMI रोक दूंगा भाई, और इससे भी बात नहीं बनेगी ना भाई, तो हम अपना राशन कम कर लेंगे, लेकिन तू अपना पैसा ले भाई, ले। जब तू इतना कह ही रहा है तो ठीक है भाई, मैं अपने पैसे काट के बाकी तुझे वापस कर दूंगा, ठीक है ला। अरे दे ना, चल ठीक है मिलते हैं। आ, आ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक पड़ रहा है। शानू, मेरे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी? अबे शानू, अबे तू ठीक है ना भाई? ना भाई ना, तू चिंता मत कर, तू बस अपने उधार से मतलब रख। अरे मेरी जमा पूंजी बेच और अपना उधार चुकता कर ले भाई, दोस्त मरता है तो मरने दे, तू टेंशन मत ले भाई, मेरी तेरवी खाने आ जाइयो तू चाह। अरे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो जी, मनोज भाई साहब ने तो हमेशा हमारी हेल्प करी है, ये तो इतने भले इंसान है, आपकी ऐसी हालत देख के वो उधार के पैसे थोड़ी लेंगे, उल्टा आपके इलाज के लिए पैसे दे करके जाएंगे। क्यों भाई साहब, सही बोल रही हूँ ना मैं? मेरा दर्द बढ़ रहा है। हाँ हाँ भाई, भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले तू ठीक हो जा फिर आराम से उधार चुका दियो, ठीक है? ये लीजिए भाभी जी। लेकिन भाई साहब, डॉक्टर फीस में ये गहने थोड़ी ना लेगा, वहां तो कैश देना पड़ेगा ना। जी जी भाभी जी। देखा, मैं कहती थी ना मनोज भाई तो हीरा है हीरा, आप खामुखा उन्हें गलत समझ रहे थे। अरे तो ऐसे हीरे की वजह से तो मेरी हालत हुई, सुबह सुबह दरवाजे पे आके खड़ा हो गया और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने इससे उधार लिया, इसी बेइज्जती की वजह से मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। भाई शानू मुझे माफ कर दे यार, आगे से मैं जब भी उधार के पैसे मांगने आऊंगा तुझे पहले ही बता दूंगा। भाभी जी आप इसे अस्पताल लेके जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बताना आप, ठीक है भाभी जी? नमस्ते। मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चल, जल्दी। बंद करो ये ड्रामा।